उत्तर प्रदेश के बलिया में मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में महिला सेक्स वर्करों का भारी जमवाड़ा है। शराबी महिलाओं ने जमकर मचाया तांडव। रेलवे परिसर में नशे में धुत महिलाओं ने जमकर किया मारपीट। रेलवे प्रशासन और सैकड़ों यात्री बने तमाशबीन। लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। चश्मीदों ने कहा कि ये महिलाएं सेक्स वर्कर हर दिन खुलेआम शराब पीकर स्टेशन के बाहर करती हैं तांडव। यात्री रहते हैं परेशान। रेलवे प्रशासन ने कहा हम हैं मजबूर, ये प्लेटफार्म तक पहुंच जाती हैं, इन्हें हम भगाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराबी महिला सेक्स वर्करों के बीच दंगल का यह लाइव नज़ारा बलिया रेलवे मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर का है, जहां हाथों में शराब का ग्लास तो वहीं नशे में धुत एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट कर रही हैं और स्टेशन पर सैकड़ों यात्री तमाशबीन बन इस शर्मनाक दंगल का नज़ारा देख रहे हैं। मीडिया ने रेलवे प्रशासन को जानकारी दी तो वहाँ पहुंची रेलवे पुलिस ने कहा कि हम मजबूर हैं, यह तो स्टेशन के अंदर तक आ जाती हैं, जिन्हें भगाना पड़ता है, अभी इन्हें हटवा रहे हैं। जब हमें इनकी मजबूरी जानने की कोशिश की तो पता चला कि रेलवे पुलिस के पास कोई महिला कांस्टेबल ही नहीं है। लोहे के राड में सर लड़ाती है, कहीं चीखती चिल्लाती तो कहीं हाथों में शराब का गिलास लेकर एक दूसरे को लात मारती है तस्वीरें कोई नई नहीं है। चश्मदीदों की माने तो यह नज़ारा हर दिन का है, जहाँ इन शराबी सेक्स वर्करों के चलते बलिया रेलवे स्टेशन बदनाम हो रहा है। सब कुछ देखते हुए भी रेल प्रशासन मजबूर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोहे के राड में ये महिला अपने सर को लड़ा रही है और चीखती चिल्ला रही है। यहाँ पर महिलाओं का तांडव, दो महिला आपस में भिड़ी हुई है और तांडव चल रहा है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी है, ये लाइव तस्वीरें हैं, जहाँ बलिया रेलवे स्टेशन के परिसर में दो महिलाएं जम करके आपस में मारपीट कर रही हैं। वहाँ पर उपस्थित सैकड़ों यात्री और राहगीर तमाशबीन बन करके ये नज़ारा देख रहे हैं। तो वहीं रेलवे पुलिस ने कहा कि हम इनको भगा देते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी जब पहुँचती हैं हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई महिला कांस्टेबल नहीं है। तमाशबीन बन करके देख रहे हैं लोगों में से एक चश्मदीद ने बताया कि आए दिन यहाँ पर मारपीट ये करती रहती हैं, ये रोज का इन लोगों का हंगामा करने का ये नज़ारा है, आए दिन यहाँ पर हंगामा होता रहता है और यात्री परेशान होते रहते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं का तांडव यहाँ पर चल रहा है। जिला प्रशासन भी इस तरह का तांडव देख करके चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर कब तक इस तरह का तांडव चलता रहेगा? आइए आपको सुनाते हैं चश्मदीद की बाइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद पांडे है। क्या हुआ था अभी? सर ये पूरा रेलवे परिसर में जो है जितनी धंधा वाली है सब दारू पीती हैं सब और नौटंकी करती हैं लोग, मारा मारी पीटा पीटी सब होता है, पर डे का काम है यहाँ इन लोगों का। मालूम नहीं कहाँ से लोग चली आई हैं यहाँ, कोई लोगों को बोलने वाला ही नहीं है। यात्रियों की किस तरह की दिक्कत होती है? यात्रियों की बहुत परेशानी होती है, प्रभाव पड़ता है कि बलिया स्टेशन पर गए थे तो हम लोग ये चीज़ देख करके आए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। आज दो औरतें हैं जो अपने में ही दारू पी करके मारपीट कर रही थी सब, कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई GRP के लोग नहीं थे, कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे, वो लोग मर भी जाती तो कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन वो तो मीडिया के लोग आए हैं तो वो लोग छोड़ छोड़ कर भागी हैं सब, बाकी यहाँ कोई नहीं था। सर जी ये बहुत स्थिति खराब है बलिया स्टेशन का। स्टेशन परिसर के अंदर है? हाँ स्टेशन परिसर का अंदर है सब। तरह का तमाशा होता है, ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आपके उस परिसर में भी मैंने देखा, चार दिन पहले भी देखा। ये यही नहीं सर, ये महिलाएं आपके अंदर भी रहती हैं सब, स्टेशन प्लेटफॉर्म के अंदर तक घुस जाती हैं सब, कभी कभी घुसती हैं सब, लेकिन उनको भगाया जाता है। महिला पहले उसको हटवाने का व्यवस्था किया है। जी जी